जेजेपी के अंदर क्या फूटा है तो ये है कि डिप्टी सीएम जहां जाते हैं वहां पर उनके विधायक ही नहीं जाते, फूट इस कदर पहुंच चुका है। और बीजेपी के अंदर कितना क्या फूट की कहानी चल रही है वो कहानी आप धनखड़ साहब से जाके पूछिए। व्यापक भ्रष्टाचार कर हरियाणा में नशा, अवैध शराब, जहरीली शराब और इस तरह के कारनामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक एक व्यक्ति को जो या तो उसमें शामिल हो या इसके संरक्षण में ये चल रहा था, ऐसे एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं जनसंवाद में, वहीं जो है वहां अहंकारी जनसंवाद दिखाई देता है, जन अपमान दिखाई देता है, लोगों का तिरस्कार दिखाई देता है। तो ये आज सरकार का अहंकार भी सातवें आसमान में पहुंच गया है। हर कोने में एक ही जनभावना है, बीजेपी जेजेपी की ये जो खट्टर दुष्यंत सरकार है जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। व्यापक देश में इस कदर भ्रष्टाचार जिससे देश की बोली वाली जनता की कमाई को डाइवर्ट कर कुछ चंद उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है देश में, और हर वर्ग का जिसमें आज नुकसान लोगों को दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर अहंकार और तानाशाही इस कदर पहुंच चुकी है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए अपनी असीम सत्ता बल और धन बल का प्रयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। जनता देश के विपक्ष का साथ दे रही है, जैसे हिमाचल में दिया, कर्नाटक में दिया, उसी रूप से इन पांच राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास। देखिए पूरी कार्यप्रणाली का तो आकलन करने लायक को कार्यप्रणाली है ही नहीं इनकी। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में तो ऐसी सरकार है जिसने आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम किया है। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम करने वाली ये सरकार, देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है हरियाणा प्रदेश में। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि ना तो कोई सरकार में 9.5 साल में कोई विकास कार्य हो पाए, कोई बड़े कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में आ पाए, कोई औद्योगिक क्षेत्र लग पाए, और नई सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार ये दिलवा उस अनुपात में दिलवाने में सफल हो पाए। आज हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। कई नौजवान डिप्रेशन का शिकार, कई नशे की तरफ, आज पंजाब और हिमाचल से ज़्यादा नशे ओडों से हरियाणा में डेथ हुई इस साल। कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ, क्योंकि इतना निराश हो गया हरियाणा के अंदर अपने भविष्य को लेकर कि अपना घर बार बेचकर विदेशों की तरफ पलायन पर मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। कहीं अपराध की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, ये स्थिति आ गई। आज मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते ही गाँव के अंदर पटाखे बजाए जा रहे हैं, ये स्थिति आ गई हरियाणा में, धरातल की स्थिति। ये सरकार, मगर ये सरकार को नहीं दिख रहा है सब। इनकी कार्यशैली में हरियाणा नौजवान का भविष्य तो बर्बाद हुआ ही हुआ। हर वर्ग, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, गरीब आदमी, हर वर्ग को सरकार ने प्रताड़ित किया ही किया, लेकिन अहंकार भी। आज बेरोजगारी में ही नंबर एक नहीं है हरियाणा, हरियाणा सत्तासीन लोगों के अहंकार में भी देश में नंबर एक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं जनसंवाद में, वहीं जो है वहां अहंकारी जनसंवाद दिखाई देता है, जन अपमान दिखाई देता है, लोगों का तिरस्कार दिखाई देता है। तो ये आज सरकार का अहंकार भी सातवें आसमान में पहुंच गया, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा। 2009 में दोबारा से फिर एक बार दंगे करवाने की, ये पिछली बार भी लोगों के सामने ये आ गया था। पिछली बार भी हमने कहा था कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यापक विफलता है, क्योंकि पिछली बार भी सबने पहले बता दिया था नीचे के पुलिस प्रशासन ने कि इस तरह के भड़काऊ बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसको लेकर एहतियात बरता जाए, लेकिन सरकार ने वहाँ कोई एहतियात नहीं बरता। तो हमने कह दिया था या तो सरकार की व्यापक विफलता है या कोई बड़ा भारी षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में से एक ये भी कार्यशैली है कि भारत के एक भाई को दूसरे भाई से किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए, आपस में सामाजिक तनाव बनाया जाए, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति पाति के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर,
और उसका लाभ कैसे राजनीतिक उठाया जाए, ये नीति भारतवर्ष के मजबूती के लिए नीति नहीं है, ये बीजेपी के राजनीतिक हितों को ही मजबूत करने के लिए नीति है, और इसीलिए हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा से है। देखिए, आपकी बात का पहला मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा, बाद में मेरे को आपकी बात में फूट सुनाई दी। आपकी बात सत्य है कि जितना फूट बीजेपी जेजेपी में है उतना फूट किसी सरकार में देश में देखने में नहीं आया। पहला तो बीजेपी और जेजेपी में फूट और लट चल रहे हैं, कोई कह रहा है उचाना से ये लड़ेगा, कोई कह रहा है नारनौन से वो लड़ेगा। उसके बाद जेजेपी के अंदर क्या फूट है, तो ये है कि डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनके विधायक ही नहीं जाते, फूट इस कदर पहुँच चुका है। और बीजेपी के अंदर कितना क्या फूट की कहानी चल रही है वो कहानी आप धनखड़ साहब से जाके पूछिए, वो कहानी आप राव इंद्रजीत जी जाके पूछिए, वो आदमपुर चुनाव में क्यों नहीं आए थे चुनाव प्रचार करने, वो कहानी आप अरविंद शर्मा जी से जाके पूछिए जो कह रहे हैं कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री जो 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी व्यापक स्तर पे जो गुटबाजी, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी और फिर जेजेपी के अंदर गुटबाजी, ये तो तीन तीन गुटबाजियों का इतने शिकार हो गई सरकार कि ये तो गुटबाजी की प्रायवाची बन गई बीजेपी जेजेपी सरकार। आपकी बात सी ठीक है, मैंने पहला पार्ट नहीं सुना था मैंने जो है, लेकिन गुटबाजी मैंने सुना, तो ये आपकी बात गुटबाजी, ये तो सरकार में अंतरकलह और गुटबाजी इतनी है जिस अंतरकलह और गुटबाजी का नुकसान आज देखिए। ये किसी भी पार्टी के संगठनात्मक कोई फैसला होता है उस पर हम कोई बीजेपी थोड़ी कि हम कमेंट करें। बीजेपी की तो आदत है कि वो अपने काम नहीं बताएंगे, 9.5 साल में वो ये नहीं बताएंगे 9.5 साल में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना, हरियाणा में सबसे ज्यादा पोर्टल पीपीपी फैमिली आईडी से लोग परेशान क्यों हुए, हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसानों ने क्यों शहादत देनी पड़ी, हरियाणा के अंदर सरपंच क्यों पिटे, खिलाड़ी क्यों पिटे, हमारी बहन बेटियां दिल्ली की सड़कों पर क्यों घसीटी गई। हम बीजेपी तो है नहीं कि भाई अपने काम नहीं बताएंगे, केवल ये कहेंगे कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हम दूसरी पार्टी के फैसलों पे हम कोई कमेंट नहीं करते हैं, वो हमारे, मैं समझता हूँ उनका अंदरूनी फैसला है, राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो अपने फैसले लेने पे स्वतंत्र है, हम अपने फैसले लेने के पे स्वतंत्र हैं। लेकिन ये जरूर है अब ये बीजेपी किसी को बनाए किसी को हटाए, लोगों के मन से हट चुकी है और लोगों ने सत्ता से हटाने का इनका मन बना लिया है, किसी को बनाने हटाने से कोई अंतर पड़ने नहीं। 2024 में मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है, हरियाणा प्रदेश में हर कोने में एक ही जनभावना है, बीजेपी जेजेपी की ये जो खट्टर दुष्यंत सरकार है जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। बहुत कुछ कहने को तो हम भी बहुत कुछ भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है व्यक्तिगत आरोप 10.5 साल की अपनी सरकार के बाद, 10.5 साल में तो उनको कम से कम इस बात पे आना चाहिए था कि जय जवान जय किसान का देश, 750 किसान आंदोलन में मर गए, अपनी कुर्बानियां दे दी, जवान आज अग्निपथ योजना जो है 1/3 जो अग्निवीर भर्ती हुए थे वो वापस आ गए, कुछ अपनी उपलब्धि बताते कुछ अपनी विफलताओं का जिक्र करते, जो है आज स्थिति ये देश में, मगर वो आज भी जो है केवल विपक्ष पे निशाना साध कर अपना काम चला रहे हैं। आपको पता ही है किस तरीके से असीम धनबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करके देश की मीडिया जो बड़े चैनल्स हैं वो एक दो उद्योगपति घरानों के अंतर्गत बड़े चैनल हो गए, अखबार हो गए, हर अखबार में डेली एक दिन अखबार बीजेपी कोई ना कोई प्रदेश सरकार ऐड दे, ये देश में इन्होंने अपना लागू कर दिया इंटरनल, तो इतना पैसा है इनके पास, तो उस आधार पे जो है अपनी जो है ये राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष पे निशाना साधने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश के लोग और हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हो चुके हैं। देखिए, ये जहरीली शराब का मामला हरियाणा में पहला नहीं है, अवैध शराब का
पिछले साल भी सोनीपत में अवैध शराब से बहुत लोगों की जान गई थी। उससे पहले भी बहुत बड़ा शराब घोटाला सामने आया था कोविड के दौरान। जब से ये 2019 में शराब जो है महकमा JJP के पास, एक्साइज के पास, महकमा इनके पास गया है और एक भ्रष्टाचार का समझौता इस सरकार के साथ करके खट्टर सरकार ने दोबारा सत्ता हासिल करी है, तब से लेके लगातार ना सिर्फ हरियाणा के शराब घोटालों में मगर देश में कहीं भी शराब घोटाला हो, बिहार तक भी, उसके तार हरियाणा के से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं संगठित भ्रष्टाचार का रूप हरियाणा की शराब माफिया ने ले लिया है, वो भी सरकारी संरक्षण से। ये आज प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बात समझ में आ गई है। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, स्तरीय जांच हो, न्यायपालिका एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है क्योंकि CBI ED का कोई पे कोई आज के क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच हो और इस जांच में केवल नीचे के लोगों तक उसको सीमित ना रखा जाए। इस जांच में किस जो है कौन वो ऐसे मंत्री हैं जिनके सरकारी संरक्षण में ये हो रहा है, उनका सारा चिट्ठा सामने आए। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब कांग्रेस अगर ये नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार, अब इन सरकार के पास आचार संहिता हटाने के बाद, आचार संहिता कार्यकाल हटाने के बाद इस सरकार के पास लगभग 6.5 महीने का कार्यकाल बाकी है, क्योंकि ये 1 महीने का आचार संहिता लगेगी सितंबर में असेंबली की और 3 महीने की लगते लोकसभा की, आप अंदाजा लगा सकते। तो ये 6-7 महीने का कार्यकाल बाकी, या तो ये करो ये जांच, नहीं तो आने वाले समय में इस पर जांच कराने का काम हम करेंगे और इससे जांच कराकर जो लोग आज हरियाणा के नौजवान को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, जो लोग अपने लोभ में, अपने लालच में, अपने घरों की तिजोरियां भरने के लिए व्यापक भ्रष्टाचार कर हरियाणा में नशा, अवैध शराब, जहरीली शराब और इस तरह के कारनामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक एक व्यक्ति को हम अकाउंटेबल करने का काम करेंगे। हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो ये एक बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे और ऐसे एक भी व्यक्ति को जो या तो इसमें शामिल हो या इसके संरक्षण में ये चल रहा था, ऐसे एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।